हेलो दोस्तों, चाल, समय और दूरी का ये हमारा पांचवां भाग है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक सिस्टम से हमने पढ़ाया है और उस सिस्टम से अगर आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। फिर भी आप इसे देख रहे हैं तो अगर आप यहाँ से भी कंसंट्रेट करते हैं तो आप उम्मीद रखिए कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, और इस तरह की सवाल ज़िंदगी में कभी आपकी गलत हो जाएगी तो आप हमारा वीडियो कभी भी मत देखिएगा। बस इसके लिए आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, और वो कि आपको जितनी भी तरह की सवाल इसमें हैं सभी को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है चाल एवं समय का संबंध। चाल तेज बराबर समय कम, चाल धीम बराबर समय ज़्यादा। मतलब क्या है इसका? आप लोग जानते होंगे कि जैसे दो वाहन हैं, अगर एक वाहन तेज चल रहा है और एक वाहन धीमा, तो जो वाहन तेज है वो कहीं जल्दी पहुंच जाएगा और जो धीमा है वो समय लगाएगा। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए 24 किलोमीटर की दूरी है और एक वाहन है ए और एक वाहन है बी। वाहन ए की चाल मान लीजिए है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और वाहन बी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी है वाहन ए को, तो 8 + 24 कितना समय लगेगा? 3 घंटा। और ये जो जिसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको कितना लगेगा? 6 × 24 यानी कि 4 घंटा। तो आपने क्या देखा? यहाँ पे चाल ज़्यादा थी इस वाले से, तो यहाँ पे इसकी समय ज़्यादा है और इसका समय कम है, ठीक है ना? चाल ज़्यादा समय कम, चाल कम समय ज़्यादा। वाहन ए एवं बी के चालों का अनुपात एक्स अनुपाते वाई है, तो इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात वाई अनुपाते एक्स होगा। ये एक थ्योरी है, समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मान लीजिए वाहन ए और बी इनकी जो चालें हैं उनके चालों का अनुपात है 3:2। मान लीजिए कि वाहन ए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और वाहन बी 2, तो अगर ये लोग कहीं पहुंचना चाहेंगे तो जो इनका समय लगेगा ना वो 2 और 3 का समय लगेगा, यानी जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, है ना? अगर मान लीजिए चाल का अनुपात 5:6 है, 5:6 है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 6:5, ठीक उसी का उल्टा। अगर मान लीजिए 3 वाहन हैं, मान लीजिए ए बी और सी 3 वाहन हैं और इनकी जो चालें हैं वो हैं 3, 2 और 5 के अनुपात में। मान लीजिए कि वाहन ए की चाल 3 है, वाहन बी की चाल 2 है और वाहन सी की चाल 5 है, तो इनके समय का अनुपात आप ऐसे नहीं कर सकते 5, 2, 3, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम सिर्फ अगर दो वाहन है ना तो सिर्फ हम दो ही वाहन को उलटते हैं समय निकालने के लिए। अगर दो से अधिक हो जाएंगे, 3 वाहन हो जाएंगे, 4 वाहन हो जाएंगे, तब ये मेथड हम नहीं लगाएंगे। तब हम क्या काम करेंगे? जैसे 3, 2, 1 है तो इनका जो समय का अनुपात होगा उसे हम 1/3 / 1/2 / 1/5 कर देंगे और इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा? जो नीचे लिखा गया है हर के रूप में 3, 2, 5, इनका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 30। 3 × 30, तो 1 × 10, 2 × 15, 30, तो 1 × 15, 15, और 5 × 30, तो 1 × 6, तो जो अब इनका अनुपात आएगा वो आएगा 10, 15 और 6, यानी जो ए बी सी 3 वाहनों के चालों का अनुपात 3, 2, 5 था, उनका समय का अनुपात कहीं पहुंचने का क्या होगा? 10, 15 और 6। तो थोड़ी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। अगर दो ही वाहन हैं तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, हालांकि ऐसे भी करके कर सकते हैं लेकिन आपको कुछ करना नहीं है, बस उनको उलट देना है, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। पहला प्रश्न है, ए और बी की चालों का अनुपात 3:2 है, यदि ए किसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है तो बी उसी दूरी को कितने घंटे या कितने समय में तय करेगी? ये प्रश्न है।
आप इस प्रश्न को हम लोग कैसे लगाएंगे ये समझते हैं। अगर इसे समझ लेंगे ना तो आपको इतना समय नहीं लगेगा, इतना समय मुझे समझाने में लग रहा है, आपको करने में नहीं लगेगा। तो क्या लिखा है? चाल का अनुपात। तो हम लोग लिखते हैं चाल, और चाल का अनुपात क्या है? 3:2। ठीक, अब हम लोगों को क्या काम करना है? हम लोगों को लिखना है समय का अनुपात। तो समय क्या होगा? मैंने बताया ना सिर्फ 2 हैं, तो बस पलट दीजिए, 2:3। तो चाल का अनुपात अगर 3:2 है, तो समय का अनुपात क्या होगा? 2:3। अब क्या कह रहा है? यदि ए किसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है, तो बी उसी दूरी को कितने समय में तय करेगी? तो ए कौन था? पहला वाला। बी कौन था? दूसरा वाला। चलिए हम लिख देते हैं, ये है ए और ये है बी। तो अब कह रहा है कि ए लेता है 6 घंटा, तो ए के सामने हमने लिख दिया 6। बी कितना लेगा? बी लेगा प्रश्नवाचक, मतलब बी के बारे में हमें पता नहीं है। तो अब देखिए, 2 में हम कितने का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, यकीनन 2 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 3 का निकालना है हमें, तो 3 में, क्योंकि 2 में 3 का गुणा किए थे ना, तो हम 3 में भी 3 का गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ? 9। इसका मतलब हुआ कि अगर ए कहीं पहुंचने में 6 घंटे लेता है, तो बी उसी जगह पहुंचने में कितना लेगा? 9 घंटे। क्यों 9 घंटे लेगा? क्योंकि चाल उसकी कम थी, इसलिए समय ज़्यादा लग गया। दूसरा प्रश्न है, ए बी और सी के चालों का अनुपात, ये तीनों वाहन हैं, ठीक है, ए बी और सी के चालों का अनुपात 3:2:5 है। यदि ए किसी स्थान पर 10 घंटे में पहुंचता है, पहुंचती लिख दिए हैं हम, सॉरी, पहुंचता है, तो सी उसी स्थान पर कितने घंटे में पहुंचेगा? खैर, गाड़ी स्त्रीलिंग में इस्तेमाल होती है, आपको यहाँ ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है मेन कंटेंट पे, समझना क्या है कि ए बी सी 3 वाहन हैं, इनके चालों का अनुपात 3:2 है, तो हम क्या लिखते हैं? इनकी चाल। तो इनकी चाल किस अनुपात में है वो लिख देते हैं एक बार, 3:2:5। अब हमें निकालना है समय का अनुपात। तो चूंकि 2 लोग तो है नहीं, 2 वाहन नहीं है, 3 वाहन है, तो थोड़ा हमको प्रक्रिया अलग अपनानी पड़ेगी। क्या करेंगे? 1/3, 1/2 और 1/5। अब जानते हैं 3, 2 और 5 का लघुत्तम होता है 30। 3 दहम 30, तो 1 दहाई 10। 2 पंद्रहम 30, 1 पंद्रहम 15। 5 छंग 30, 1 छक्के 6। तो इनके समय का अनुपात हो गया 10, 15 और 6। मतलब कि जो ए वाहन है वो कहीं पे अगर 10 घंटे में पहुंचेगा, तो बी वहीं पे 15 घंटे में पहुंचेगा, और सी वहीं पे 6 घंटे में पहुंचेगा। अब अगली लाइन में कह रहा है कि यदि ए किसी स्थान पर 10 घंटे में पहुंचता है, तो सी उसी स्थान पर कितने में पहुंचेगा? तो ये तो 10 के सामने ही 10 आ गया है ना, 10 के सामने 10 आ गया, यानी 10 में 1 का गुणा हुआ, 10 1 कम 10। तो सी के बारे में पूछ रहा है, तो सी के बारे में 6 1 कम 6, चूंकि वही वही आ गया, तो सी कितने समय में पहुंचेगा? 6 घंटे में। बहुत आसान है अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो। एक तीसरा प्रश्न है जो थोड़ा सा इससे हट करके है, इसी इसी का थोड़ा विस्तृत रूप है, उसे आपको अच्छे से समझना है। ए बी तथा सी 3 गाड़ियों की चाल 1:3:2 के अनुपात में है। यदि ए कहीं पहुंचने में बी से 2 घंटा अधिक समय लेती है, तो बताओ सी वहीं पहुंचने में कितना समय लेगी? तो ठीक है, अब पूरा हमको एक अच्छे से समझना नहीं है, अभी हमको बस शुरुआत कर देनी है। होता क्या है ना एग्जाम में, लोग समझ नहीं पाते कि हम शुरुआत करें तो करें कहाँ से। आप पहली लाइन से शुरुआत किया करिए हमें।